Hello friends, let's have the discuss of NTA mock test practice paper क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, गम सॉइल्स अप इन वाटर ड्यू टू, वाटर जब एब्जॉर्ब करती है कोई चीज़ तो वो सॉइल अप कर जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबिशंस। इसको एंशिएंट टाइम से स्टोन्स को, जो स्टोन्स होते थे उसको तोड़ने के लिए, जो पहाड़ियाँ थी उनको तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता था, इम्बाइबिशंस टेक्निक का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला असाइन टू हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनकरेक्ट बताना है अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स एगरोज डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टूवर्ड कैथोड नॉट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये भी करेक्ट है। ब्राइट ऑरेंज हैंड आर सीन आफ्टर स्टैनिंग डीएनए विद इथिडियम ब्रोमाइड, इससे रिलेटेड इस पे जो सारे पॉइंट दिए, इसके सारे पॉइंट से लगभग हर साल, लगभग प्रीवियस ईयर में किसी न किसी टॉपिक से एक बार पूछा ही गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, एंटेरोबियसिस इज कॉज्ड बाय वर्म ऑफ पिन वर्म, इसको बोलते हैं एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न वेयर, फादर इज कलर ब्लाइंड मदर इज कैरियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन प्रोकैरियोट इज ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्रीडिंग इन बिटवीन द एनिमल ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन 1953 एस एल मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस इन द लेबोरेटरी एंड गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस क्रिएटेड इंक्लूड, ये नी 2020 भी इस पर सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया गया था और हाई टेम्परेचर्स वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मेथेन एंड अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ट्रांसजेनिक पिग्स आर बीइंग डेवलप्ड फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, नो पोलियो वैक्सीन का इसको यूज करने के लिए नहीं, इसका यूज़ इंसुलिन के लिए किया गया था। फिर 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज ऑफ बासमती राइस आर गिवन इन इंडिया, करेक्ट है ये। द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल्स वाज अ शीप, ये भी करेक्ट है, इसको डॉली नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम पहले भी करवा चुके हैं क्लिप, तो इसका ऑप्शन फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन विल इंक्रीज, एल्गल ब्लूम के लिए बताया गया। चलो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ शोज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी, वेयर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट आल्सो कॉल्ड एज ए गैमोजेनेसिस बिकॉज एम इज अब्सेंट, अर गैमो मतलब गैमेट, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, इसका मतलब हुआ कि ए जेनेसिस मीन्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस, सो दिस मैकेनिज्म इज सीन इन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस टाइप, वेरिएशन आर नॉट सीन एज मियोसिस इज अब्सेंट। फिर बात करते हैं सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट दैट फॉर्म्स सिनगैमी और डबल फर्टिलाइजेशन, क्वेश्चन पूछा गया है।
form a diploid zygote while in conjugations to unicellular organisms and unit temporarily for the exchange of genetic material. Conjugations means the transfer of genetic material from one to another organisms through direct contact. In this method, one organism acts as a donor while the other acts as a recipient, cloning in the process of the formation of a genetically identical organism from the parent organism. Question number 13. Mark the wrong statement with respect to intrauterine devices. They can act as method of emergency contraceptive. Correct. They can protect against viral sexually transmitted infections. No. Fair option C. They sometimes cause heavy menstrual bleeding. They can be made of metals. A B correct. Question number 14. Identify the statements that are true for anemophilous flower. Okay. Fair the process large feathery stigma correct hai. Pollen grains are light and sticky. No. Light and sticky pollen grains are light and sticky. हाँ ये होना चाहिए. This is correct है. But the process large feathery stigma ये भी correct है. They are not very colorful and do not produce nectar. Anemophilous air के द्वारा. They are not very colorful and not produce nectar. ये correct है. फिर they have many ovules in each ovary. No. Question number 15. An ecosystem's resist change because it is in a state of homeostasis. Question number 16. Which of the following group exhibit more species diversity for fungi? Question number 17. Testes of man occur in scrotal sacs. Question number 18. The age of a tree can be estimated by number of annual rings. Question number 19. Pick up the wrong statement. Wrong statement. Okay. Cell wall is absent in animalia. Correct. Protista have photosynthetic and heterotrophic mode of nutrition. Se bhi correct hai. Some fungi are edible. Ye bhi correct hai. But nuclear membrane is present in Monera. No. Question number 20. On their activations, juxtaglomerular cells secrete renin. इसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 21. इन्फ्लामेशन ऑफ अ स्केलेटल जॉइंट में इमोबिलाइज द मोमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स. करेक्ट. दिस मे बी कॉज ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट कैविटी एंड ऑसिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज. ये भी करेक्ट है. Question number 22. In Pistia, root caps are replaced by root pockets. Question number 23. The membrane that covers cartilage is known as perichondrium. Question number 24. Cardiac output can be increased due to these hormones or adrenal medullary hormone. Question number 25. Rhizoids differ from roots
as rhizoids arise in gametophytes but root in sporophyte. Question 26. Gibberellins differ from auxins since they produce stem elongations. Question 27. Which of the following features is common to prokaryotes and many eukaryotes? Cell wall is present. Question 28. What percentage of absorbed water is used in photosynthesis? 1%. Question 29. Through which one of the following ways our body at higher altitudes compensates low oxygen availability by increasing RBC productions? Question 30. In the case of potassium, the most significant use is it influences enzymatic activity which regulates many plants' processes. Question 31. How much oxygen will be released to the tissue by blood on passing from lungs to tissue? 5 ml of oxygen / 100 ml of blood. Question 32. A single category of biological chemicals can accommodate enzymes, vitamins and hormones because all of these help in regulating metabolism. Question 33. The mitosis is different from meiosis because in meiosis chromosomes first pair and then reduce to half. Homologous chromosomes pair and exchange part. 4 nuclei are formed which are not identical. All of these are also correct. Question 34. Choose the wrong statement from the following. Dietary intake of fat must be restricted after the surgical removal of gallbladder. Option B. Jaundice occurs due to depositions of bile salts turning skin and eyes yellow. Jaundice occurs due to depositions of bile salts turning skin and eyes are yellow. Ye correct hai? Wrong statement chunna tha. In patients with hiatal hernia, part of stomach pushes up through diaphragm muscles. Is it correct? Acid in stomach converts ferric forms of iron into ferrous form to promote its absorption. I think jaundice occurs due to depositions of bile salt. No, bile pigment hota hai. Question 35. Choose the options which is known as pearl oyster pingtada. Question 36. Which one of the following pairs of structures differentiates a nerve cells from other types of cells? Perikaryon and dendrites. Question 37. During emergency pyloerection, sweating dilations of pupil are due to catecholamine or sympathetic hormones because it is the same biological effect of the sympathetic nervous system. It is increases the rate of heartbeat and cardiac output, so increase blood pressures. It increases the BMR and sugars level in blood by stimulating glycogenolysis in the liver. It causes pupil dilations and stimulates the contractions of the spleen to release the stored blood. It also gooses flies due to contractions of the erector fili muscles to erect the body hair called pyloerections.
क्वेश्चन 38 चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द जनरल एस्पिरेटरी कॉन्सेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉर आई थिंक आई होप मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 39 विच अमंग द गिवन डिजीज इज अ जेनेटिक वन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. क्वेश्चन 40 द टर्म जीनोटाइप वॉज कॉइंड बाई डब्ल्यू एल जोहानसन. क्वेश्चन 41 द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस इज होमो इरेक्टस. क्वेश्चन 42 ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिट इट अगेन टूवर्ड्स द अर्थ. क्वेश्चन 43 चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस विच इज गिवन टू कैंसर पेशेंट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम्स एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर अल्फा इंटरफेरॉन. क्वेश्चन 44 इन एल्बुमिनस सीड सच एज कास्टर सीड कास्टर्स मेज एक्सेट्रा फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म. क्वेश्चन 45 प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इन द यूरिन कन्फर्म्स प्रेगनेंसी फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स. क्वेश्चन 46 कैरोलस लीनियस गेव टू किंगडम्स क्लासिफिकेशंस विच कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. कैरोलस लीनियस गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन विच कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ओके फिर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन 47 इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर प्रेजेंट विच आर बेसिकली द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. क्वेश्चन 48 चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फोटोफॉस्फोरस फॉर रॉक. क्वेश्चन 49 इन द माउथ पार्ट्स ऑफ काक्रोच द गैलिया एंड लेसिनिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ द मैगजिली. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पाइक मॉस सिलेजिनेला. क्वेश्चन 51 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेक्टर्स यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग. रॉन्ग चूज करना है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियोफेज आर लैम्डा फेज एंड M13 फेज ओके. फिर ट्रांसपोजन आर यूनिट्स ऑफ DNA विच कैन मूव फ्रॉम वन DNA मॉलिक्यूल टू अनदर ओके. फिर एग्रोबैक्टीरियम इज यूज्ड टू डिलीवर जीन्स इनटू प्लांट सेल्स. ये भी करेक्ट है. फिर डी है YAC vectors are used to clone small fragments of DNA. Question 52 The phenomena which involves inductions of flowering by low temperatures treatment is referred as vernalizations. Question 53 The AA plus ZW type of chromosomes conditions is seen in female birds. Question 54 कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स वॉज पुट फॉरवर्ड बाई GF गॉस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पैरामीशियम. क्वेश्चन 55 विच आर द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एस्केपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स. क्वेश्चन 56 द मेजर एम ऑफ द यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन मॉडिफाइड crop is to reduce herbicides accumulations in the food articles for health safety. Question 57 xylem sap exudes from the tip of uninjured leaves in vascular plants and this phenomena is referred as guttation. The force responsible for this phenomena is root pressure. Question 58 The major component of the raw material which is required for biogas production is cow dung. Question 59 The movement of electron is downhill in terms of redox potentials scale in ATS that means low to high potential. Question 60 Apomixis is the development of a new plant without fusion of gametes. Question 61 primary tissues of a plant add to the length of roots and shoots. Question 62 the process by which glucose is produced
from amino acids, fatty acids and glycerol is known as gluconeogenesis. Question number 63. From the sexually transmitted disease given below, choose the one which does not especially affect the sex organ. Does not, okay. AIDS is does not. AIDS में ऐसा नहीं होता है कि sexually organs are damaged. Sex organ में कोई problems नहीं आती है. Syphilis, gonorrhea, genital warts में ऐसा होता है. क्रूसीफेरी इज सिमिलर टू मालवेसी इन टर्म्स ऑफ, क्रूसीफेरी को ब्रैसी कैसी बोलते हैं, फिलोटैक्सी ऑफ लीव्स. क्वेश्चन नंबर 65. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमंस, आरबीसी. क्वेश्चन नंबर 66. इफ वी कंप्लीटली इलिमिनेट द डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम्स, the ecosystem functioning will be adversely affected due to mineral movements will be blocked. Question number 67. Which of the following pathogens cannot be cultured on artificial medium? Cannot, virus ko nahi culture karte, fir protozoa, fungus, bacterium culture. Question number 68. Choose the incorrect options regarding conditions where heterozygous individuals shows intermediate phenotypes. Incorrect choose karna hai. Stem height in a pea plant incorrect, but starch gain size in pea seeds, flower color in mirabilis, flower color in antirrhinum. Ye correct hai. Question number 69. Acromegaly is caused by excess of growth hormone. Question number 70. What would be the length of DNA containing 10,000 base pair, 34,000 angstrom? क्योंकि one complete turn is called pitch, इसको pitch बोलते हैं, वाला gyre बोलते हैं, gyre. फिर each turn जो होता है, प्रत्येक turn of the double helix or the pitch of helix is 3.4 nanometer होता है. अगर इसको angstrom की बात करें, 34 angstrom होता है. अब उसी के according हम count कर सकते हैं. Question number 71. After the development of antrum, the follicle becomes tertiary follicle. Question number 72. In multicellular organisms, all the cells present in the body divide by can one type of cell division, different types of cell division, mitosis only. इसमें कुछ कह नहीं सकते, यानी cannot say. Question number 73. When a bird is transferred from 30 degree centigrade to 15 degree centigrade, the body temperatures of the bird will alternate to no change. Because no change इसलिए होगा क्योंकि ये homeothermic in nature के होती हैं birds. Question number 74. By the intake of nicotine, level of which hormones get elevated, adrenaline or noradrenaline, इसको fight and flight hormones भी बोलते हैं. Question number 75. The gynoecium consists of many free pistil in 23 flowers of Michelia. Michelia इसका figure भी दिया गया है NCERT में 12th class में. Question number 76. Primary auditory area is present in which lobes of cerebrum, temporal. Question number 77. Which of the following is the wrong statement regarding ECG? ECG is a geographical representations of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. Electrocardiograph is the machines used to obtain ECG, but option C is not correct because due to obtain standard ECG, a patient is connected to the machines with three electrical leads. That is one to each wrist and to right ankle. Question or option D. For a detailed evaluations, multiply leads are attached to the chest region.
एक क्लियर डायग्राम दिया हुआ है MBBS का ये। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल अमीनो एसिड एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन नंबर 79, विच इज मस्ट फॉर बिगिनिंग ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम मैग्नीशियम आयन। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द फोर ऑफ स्पॉन्जिला लीच डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड क्विनोसाइट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री। क्वेश्चन नंबर 81, विच शुड बी गिवेन टू एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अनरिलेटेड टू डार्विन थ्योरी। फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड आउट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू सेलेनिटीज प्रेसिपिटेट लेस देन 5 PPT इन इनलैंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 84, लीनियर सिस्टम्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 85, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इन अ लीनियर मैनर। क्वेश्चन नंबर 86, जो एल्स्टोनिया इज आल्सो बिलोंग इन अंडरग्राउंड लेटरल ब्रांच प्रोड्यूसिंग ओके नो फॉर ये मोर देन टू लीव्स एट इवरी नोड। ये करेक्ट है, एस्टोनिया में होल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलती है ना। इनोमस सटाइवस की अगर बात करें तो ये फिर अंडरग्राउंड लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूसिंग। फिर सुगर केन एक्चुअली में होता क्या है कि रूट्स एट्स लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, बिकॉज इसकी जो रूट्स होती हैं वो स्टिल्ट रूट होती हैं, जो सोयल से अटैच रहती है, जो स्टेम को प्रोटेक्शन मतलब क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फिर जो बॉम्बेक्स अगर सीबा की बात करें, बॉम्बेक्स सीबा जो है लीफलेट्स आर अटैच टू अ कॉमन पॉइंट इन द लीव्स। क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन द कॉन्जुगेशन वर्टिसेला द मेल गैमेट्स अटैच टू माइक्रो गैमेट्स विद इट्स आर्बोरियल एंड्स। क्वेश्चन नंबर 88, ADA यानी एडनिन डाइएमिन इज एन एंजाइम्स विच इज डेफिशिएंट इन द जेनेटिक डिसऑर्डर SCID। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADA एडिनोसिन डीएमिनेस। क्वेश्चन नंबर 89, दे लेयर ऑफ आई बाल कंटेनिंग मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन इज आ न्यूक्लियोटाइड्स एडिनाइलिक एसिड एंड गुआनोसिन्स मॉर्फोलॉजी। इस प्रकार आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वो लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ थैंक यू सो मच वॉच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।